अभी मध्य प्रदेश का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ये मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर का वीडियो है, स्क्रीन पे आप देखिए। इस वीडियो में आपको एक मुस्लिम गरीब तबके से, जो कि अपनी गाड़ी पे रुई रखता है दोनों तरफ और गली गली जाके उसको बेचता है। अब आप सोचो, आपने कभी जिंदगी में शायद कभी ना देखा होगा ना सोचा होगा कि कोई शख्स रुई बेचता है। गांवों वगैरह साइड में, किसी छोटे मोटे कस्बे में ये रुई बेची जाती होंगी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शख्स गली गली घूम के रुई बेचने का काम करता है। अब उसे एक हिंदुत्ववादी कुछ संगठन से जुड़े हुए, जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, जो देश में चारों तरफ नफरत फैलाना चाहते हैं, वो लोग उसे रोकते हैं। और उनके साथ साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो मुसलमानों को गालियां देने पर, उस मुसलमान का मजाक उड़ाने पर हंस रहे हैं। आने वाले कम से कम 10 साल के बाद में वही छोटे बच्चे हिंदुत्ववादी गुंडे बनते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये जो इनके बाप है वो इन्हें सीख दे रहे हैं। आज वीडियो में आप खुद सुनिए मामला क्या है जरा, और क्या बोला जा रहा है। वीडियो आप देखिए। जो आती है उसको तुम मानते हो, माँ बाप को नहीं मानते। तुम कुरान की कसम ही नहीं खा सकते हो, तुम्हारी कुरान कुरान पाक की इसमें दुख रहेगा। तुम हमारा देवी देवा को तो दुख रहे कसम हमने अगर इसमें गंजला गंज हमारा अलग तरह का सकता है। ठीक है, इसमें दुख रखा दिन दुख रहा पहले ये बता, इसमें दूसरा दिन दुख रहा नहीं। पुराण पाक पे हारे, तेरी पुराण पाक की कसम खा के बोल नहीं, तेरी पुराण पाक की कसम खा ले पुराण पाक में नहीं दूसरा। ठीक है, हमारा बंदा अभी पुराण पाक की कसम खा ले कि नहीं दूसरा खाए। अब तुझे हमने खा रहा है ना, मेरी पुराण पाक की कसम ले ले, ये पुराण पाक ये बात जाओ सुने से मेरे पढ़ता आता है ये। अबे आता नहीं मेरे को सुने से ही। तू क्यों मिलाता तू रूई में? ओरिजिनल सत्य बात बता, नहीं तो रिपोर्ट अभी थाने में जाएगा। तू क्यों मिला इसने रूई में? तू क्या लाता तू? कसम खा लेना मेरे बच्चों की, खा ली मैंने कुरान पाक की। बच्चा का हमसे ही बड़ा तो भाई मालूम को नहीं आया। आप मुझे मार भी डालो, ये वाला तो वीडियो वाला खुल गया। अब तो जल्दी होगा मेरे पास तीन चार से कैटर क्यों नहीं आया? अरे मेरे वैसा लगे मत आइए जगह नहीं आएंगे भाई। और बोलो आप नहीं आएंगे भाई? ये बात जो तो जो कर रही है उसने पता समझा कोई बात नहीं। जा आयो वहाँ जल्दी जल्दी आधा खड़े जावे ना, आधा आज का गाड़ी का लंबर हैंडल ले जाया कर। ये तो देख मेलखड़ा में बगुनिया रोड में नहीं आवाज में कर, मेलखड़ा बगुनिया रोड नहीं आवाज में कर। फोटो ले जा रहे ए भाई कौन है? मेरी बात सुन ले इधर। पूरी सुमासरा तहसील में तेरे पास लाइसेंस है क्या रुई बेचने का? सबसे पहले बता ना तो तुम लोगों को लाइसेंस दे रखा क्या मादर चोत? यार कई का भी नहीं हमारे पास, तो नहीं है तो चल तेरे घर पे जाके बैठ चुपचाप। ठीक है, और इधर अगर दिख गया रास्ते में कहीं पे भी तो ये संगठन में चल रहा है वो वीडियो। ठीक है, तेरी जहाँ भी रास्ते में दिख रहे भाई सुन लेना, हिंदू संगठन में जितने भी कार्यकर्ता एक्टिव है सब सुन लेना, इसको कूटना डायरेक्ट जहाँ पे भी रुई बेचते दिखे मुझे। अब मैं घर के अंदर घर जा आप चुपचाप, बेचना मत, अगर बेचेगा तो तेरे को कूटेगा। रास्ते गाड़ी के प्लेट नहीं है, नंबर नहीं है, कहीं मेरी तो नहीं है प्लेट ही ना चोरी हो गई।